गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इंपैक्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे, हम कंप्यूटर का चैप्टर कर रहे थे विंडोज, उसी चैप्टर के आज आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंट टू द, कहता जो आपने हार्ड डिस्क से फाइल्स डिलीट कर दी हैं वो आपकी कहाँ पर जाएंगी, रिसाइकल बिन, फ्लॉपी डिस्क, क्लिप बोर्ड या मदरबोर्ड। तो बच्चे, जो आपका डेटा, हमने कल भी किया था ऐसा ही क्वेश्चन, जो डेटा आपका डिलीट हो जाता है, वो जो डिलीटेड डाटा है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, कौन सी ऑप्शन है इनमें से जहाँ पे जाके आपका डिलीटेड डाटा स्टोर होता है। डिलीटेड डाटा कहाँ पे स्टोर होगा बच्चे आपका, जब तक आप उसको परमानेंटली डिलीट नहीं करोगे वो डाटा आपका कहाँ पे रहेगा, रिसाइकिल बिन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी आपको बताया था कि रिसाइकल बिन क्या करता है। बच्चे, जो भी आपका डिलीटेड डाटा है वो आपका कहाँ पे जाके स्टोर होता है, रिसाइकल बिन में। हाँ, अगर आपने उसको परमानेंटली डिलीट करना है तो फिर आप रिसाइकल बिन को एम्प्टी करो, रिसाइकल बिन में जाओ, उस डेटा को डिलीट कर दो, फिर वो डेटा आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन, ईच डैश ऑन अ मेन्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन, कहता है जो आपकी मेन्यू बार है, ठीक है, मेन्यू बार पे आपके मेन्यूज बने हुए हैं, तो जो वो जो कमांड आती है बच्चे, वो कमांड, वो क्या चीज होती है मेन्यू पे जो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करती है, आंसर ही बता दिया मैंने, कमांड। ठीक है, हर कमांड का अपना एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, कोई भी कमांड है जो आपकी, ठीक है, जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है बच्चे, उसमें जो भी कमांड्स हैं, हर कमांड का एक पर्पज है, एक एक्शन है, इसलिए वो कमांड बनाई गई है, और वो होती कहाँ पे है, मेन्यू की कमांड्स है। विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज 9 एनटी, विंडोज एनटी आर नोन एज, कहते हैं जो विंडोज 95 है, 98, विंडोज एनटी, इनको क्या कहते हैं, प्रोसेसर्स, डोमेन नेम, मोडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था बच्चे, विंडो क्या है, विंडो गुड आफ्टरनून क्लास मोनिटर रामनिवास विक्रम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कमांड, हाँ पीछे का सही है, रिसाइकिल बिन और कमांड, इसका बताओ, ये जो विंडो है बच्चे, चाहे वो विंडो किस टाइप की हो, 95 विंडो, विंडो 98, विंडोज एनटी, ये क्या है, इनको क्या कहते हैं हम, ये क्या है, रोहित का ठीक है, रोहित का ठीक है बच्चे, डी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये सारे आपको कितनी बार बताया हुआ है मैंने, ये बात पहले भी दो तीन चैप्टर्स में आया हुआ है कि जो विंडो है वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, विंडो एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है बच्चे ये बताओ। हाँ मोनू का भी ठीक है, मोनू रोहित दोनों का ठीक है बच्चे। अब मैं पूछ रही हूँ कि आपका ये जो विंडो है, ये आपने बता दिया कि मैडम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, इज इट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सी तरह का सॉफ्टवेयर होता है बताओ फटाफट, विंडोज आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, विंडोज हमारा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है बच्चे, फटाफट बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले, सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में भी बताया हुआ है मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस तरह का सॉफ्टवेयर है, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो विंडोज आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज है आपकी, यूटिलिटीज है आपके, ट्रांसलेटर्स है बच्चे, ये सारे के सारे आपके क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिकॉज ये जरूरी है। ठीक है, और जो आप अपने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए करते हो, दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपके फ़ोन है, ठीक है, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड आपका क्या है, एंड्रॉयड क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो होना जरूरी है फ़ोन में। ठीक है, तो एंड्रॉयड जरूरी है फ़ोन में होना, तो एंड्रॉयड आपका क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा वो सॉफ्टवेयर जिनको आप कहते हो ऐप भरी है हमने अपने फ़ोन में, ऐप्स भरी हुई हैं, तो वो जो ऐप्स है वो एक्चुअली हैं क्या, दोज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आप अपनी अपने हिसाब से अपने किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फिल करते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया बच्चे, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, कि हाँ वो अगर नहीं भी होंगे फ़ोन में तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोन चलेगा नहीं, लेकिन एंड्रॉयड नहीं होगा फ़ोन में तो फ़ोन नहीं चलेगा।
ठीक है, वो तो कंपलसरी है होना क्योंकि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो आप जिनको आप एप्स बुलाते हो, दो चार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से भरते हो। अगर फ़ोन में नहीं है तो भी चक्कर नहीं है, अगर है तो ठीक है, आप अपने एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए भर रखें अपने, ये फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। मैसेज हो रहे हैं मुझे आज, स्क्रीन पे नहीं हो रहे, आज साइड में मैंने सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पे मैसेज हो रहे हैं, मैसेज दिख रहे हैं मुझे, मोनू का मैसेज दिख रहे हैं। मैम ने तभी रीड किया है कि मैम आज आपकी स्क्रीन पे, आज मेरी स्क्रीन पे मैसेज नहीं आ रहे हैं बच्चे, आज एक अलग से एक सिस्टम रखा हुआ है साइड में, वहाँ पे आ रहे हैं मैसेज, आ रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है मैसेज सीन नहीं हो रहे, मैम को दिख रहे हैं, तभी मैम ने आपका मैसेज रीड किया और बताया कि ऑप्शन आपकी सही थी पीछे वाले क्वेश्चन की। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जनरली यूज़ इज द रिसाइकल बिन थ्रू एन आइकन लोकेटेड, कहता है जनरली जो आपका रिसाइकल बिन है बच्चे, ठीक है, आप रिसाइकल बिन एक आइकन से करते हैं, एक आइकन है जिस पर रिसाइकल बिन लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो आइकन है बच्चे वो कहाँ पे होता है जनरली, ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द हार्ड ड्राइव, ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, इन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, नन ऑफ दीज। मोनू मुझे मैसेज दिख रहे हैं बच्चे, फटाफट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, ये सबको पता है रिसाइकल बिन आपका कहाँ पे होता है, रिसाइकल बिन कहाँ पे होता है, जो रिसाइकल बिन है बच्चे एक आइकन है, वो आइकन आपका कहाँ पे होता है जनरली, कहाँ पे मिलता है आपको वो वाला आइकन, रिप्लाई कर रही हूँ मैं, रिप्लाई किया मैंने सबको, ए ऑन द डेस्कटॉप रवि का, ठीक है गुड बच्चे रवि, ऑन द डेस्कटॉप, ये सबको पता होना चाहिए रिसाइकल बिन आपका कहाँ पे होता है बच्चे, जो रिसाइकल बिन का एक आइकन है वो आपके डेस्कटॉप पे होता है, ठीक है, तो कहाँ पे होता है रिसाइकल बिन, लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप पे लोकेटेड होता है। हाँ फाइनली एकेडमी ओपन हो रही है, गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। विक्रम बच्चे हार्ड ड्राइव पे नहीं, ए पे, मोनू का ठीक है, राम अवतार का ठीक है, मैम का कोल ठीक हो गया अब, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टास्क बार इज लोकेटेड, टास्क बार कहाँ होता है बच्चे, टास्क बार क्या होता है, कहाँ होता है, ऑन द स्टार्ट मेन्यू, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ऑन द क्विक लॉन्च टूल बार, एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, या नन ऑफ दिस। देखो टास्क बार बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, वो आपका टास्क बार की आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे है तो आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ टास्क बार, बट जनरली आपका जो टास्क बार है बच्चे वो आपको कहाँ पे मिलता है, जैसे कहते हैं ना कि जनरली जो टाइटल बार है वो टॉप पे होता है स्क्रीन की, जो सबसे पहली बार होती है डैट इज टाइटल बार, ठीक है, तो टास्क बार कहाँ पे होता है, टास्क बार बताओ बच्चे, टास्क बार कहाँ होता है, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, रवि वेरी गुड, मोनू आंसर आंसर दो बच्चे आंसर, एट द बॉटम, यस एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जो आपके स्क्रीन पे बच्चे सबसे लास्ट में होती है, जो सबसे लास्ट में बार होती है वो टास्क बार होती है। टास्क बार पे क्या क्या होता है, टास्क बार पे बिल्कुल लेफ्ट पे बच्चे आपको क्या मिलता है, स्टार्ट, आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट की ऑप्शन होती है, स्टार्ट खोल के आपके जो प्रोग्राम्स वगैरह वो सारे साइड में खुल जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल राइट में आपकी डेट एंड टाइम होता है, ठीक है, और सेंटर में आपके वो होते हैं, एक होता है क्विक लॉन्च टूल बार, एक वो होते हैं जो आपने आइकन्स यहाँ पे रखे हुए उन पर सिंगल क्लिक करके आपके वो खुल जाते हैं जो भी आपके प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर क्या होता है आपके जो प्रोग्राम है जिनको आप मिनिमाइज कर देते हो बच्चों, जो आपके प्रोग्राम मिनिमाइज किए हुए आते हैं वो आपके टास्क बार में आते हैं, जब आप किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज करोगे तो वो मिनिमाइज होके कहाँ पे दिखेगा आपको, आपके टास्क बार पे, ठीक है, तो टास्क बार सबसे लास्ट में होता है स्क्रीन पे, बॉटम ऑफ द स्क्रीन सबसे लास्ट बार है, ठीक है, और इस पे स्टार्ट होता है आपका, इस पे जो प्रोग्राम आप मिनिमाइज करते हो बच्चे वो आपके शो होते हैं, और बिल्कुल राइट में आपके डेट एंड टाइम होता है, सबने देखा हुआ है टास्क बार। थैंक यू सुनील, गुड आफ्टरनून गोलू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आज गुलू ने क्लास लेट ज्वाइन किया बच्चे, 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, चलो 31 पे आ जाओ।
31st क्वेश्चन, इन विंडोज आइकन सच एज ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम एक्सेट्रा आर फाउंड इन। कहता है आइकन्स की बात करें, अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडो में वो आइकन जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोग्राम ऐड या रिमूव कर सकते हो, कोई नया हार्डवेयर ऐड कर सकते हो, मोडेम कनेक्ट कर सकते हो, तो वो जो ऑप्शंस है बच्चे आपको वो कहाँ पे मिलती है, ये जो ऑप्शंस है ये आपको कहाँ मिलेगी, रविंदर गुड आफ्टरनून, मोनू मैम की क्लास चल रही है अभी, ऐसा नहीं है कि मैम की क्लास बंद हो गई है, मैम की क्लास चल रही है, यू कैन अटेंड माय क्लास, कंट्रोल पैनल, वेरी गुड रवि, कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल होता है बच्चे आपका, अगर आपको कोई हार्डवेयर भी अपने साथ अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, कोई प्रोग्राम ऐड करना है, कोई रिमूव करना है, ठीक है, कोई हार्डवेयर कनेक्ट करना है, मोडेम कनेक्ट करना है, तो वो आपका कहाँ पे होगा बच्चे, आपका कंट्रोल पैनल में होगा, वेरी गुड रवि, रोहित का भी ठीक है, गुड रोहित, रवि, मोनू आंसर दो बच्चे, गोलू, मोनू, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसाइकल बिन स्टोर्स डिस्कार्डेड आइटम्स अंटिल, कहता जो रिसाइकल बिन है, ठीक है, रिसाइकल बिन में क्या है बच्चा, रिसाइकल बिन में आपका जो डिलीटेड डाटा है वो जाता है, ठीक है, कहता है जो रिसाइकल बिन है, जो आपका डिस्कार्डेड आइटम्स है, जो आपका डिलीटेड आइटम्स है, उनको क्या करता है, स्टोर करता है, कब तक स्टोर रखता है, अनदर यूजर लॉग जोन, जब तक दूसरा कोई यूजर नहीं आ जाता, द कंप्यूटर इज शट डाउन, जब तक कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो जाता, द एंड ऑफ द डे, एक दिन के एंड तक, यू एम्प्टी इट, जब तक आप उसको खाली नहीं करते, या नन ऑफ दिस, बताओ बच्चे, रिसाइकल बिन में जो डेटा है आपका, डिलीटेड डेटा गया, आपका डिस्कार्डेड आइटम्स गई, वो जो डिस्कार्डेड आइटम्स हैं वो रिसाइकल बिन में कब तक रहती हैं, कब तक रहती है रिसाइकल बिन में, अजय गुड आफ्टरनून बच्चे, रवि ने किसका आंसर दिया है, डी, अच्छा रवि ने आंसर दे भी दिया, वेरी गुड, डी करेक्ट, मोनू का माई कंप्यूटर कहाँ से आया बच्चे, अंटिल यू एम्प्टीड, करेक्ट, गोलू, रवि, अजय, करेक्ट बच्चे, जब तक आप उसको खाली नहीं करते ना, जब रिसाइकल बिन में आपका डेटा तब तक रहेगा जब तक आप उसको खाली नहीं करते, फ़ोन में नहीं है ऐसा, फ़ोन में कुछ, मैं अपने फ़ोन की बात करूँ, मेरे पास मोबाइल है सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, तो उसमें आई थिंक 15 डेज़ के बाद डेटा डिलीट हो जाता है मेरा, 15 डेज है, 24 डेज है, ऐसा कुछ, 24 डेज आई थिंक, उसके बाद डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन अगर कंप्यूटर में कह रहा है कि रिसाइकल बिन से डेटा कब तक खाली नहीं होगा, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे, हाँ वो फीचर मोबाइल में भी है, अगर मोबाइल में आप रिसाइकल बिन खोल के अपने रिसाइकल बिन को खाली कर देते हो तो आपका जो डेटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज मेरे फ़ोन में, मुझे बाकी के फ़ोन का नहीं पता, लेकिन मेरे फ़ोन में तो ये है बच्चे, 24 डेज के बाद डेटा अपने आप डिलीट होना शुरू हो जाता है, जिस डेटा को 24 डेज हो जाएंगे रिसाइकल बिन में पड़े हुए वो डिलीट हो जाता है, और वैसे अगर आपको खाली करना है तो आप सीधा रिसाइकल बिन को एम्प्टी करते हैं, ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि रिसाइकल बिन में डिस्कार्डेड आइटम्स कब तक रहते हैं, जब तक आप रिसाइकल बिन को खाली नहीं कर देते, ठीक है, तो रिसाइकल बिन खाली हो जाएगा तो डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, क्यों मोनू, मोनू को क्या हो गया ऐसा, मैडम मेरी आज लास्ट क्लास है, एवरीथिंग इज ऑल राइट मोनू, ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब तक आप उसको खाली नहीं करते तब तक रिसाइकल बिन में आपके डिस्कार्डेड आइटम्स रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम, कहता है वो क्या है जो एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है, जिस पे क्या है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है और आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिस पे आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो रही है, उस रेक्टेंगुलर एरिया को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेन्यू, विंडोज या आइकन, बताओ बच्चे, एकेडमी ओपन है बट मैम की क्लास अभी चल रही है बच्चे, आप कल मेरी क्लास में आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ कोई नहीं, जो अटेंड नहीं कर पाएगा वो क्लास वहीं पे रहेगी, बाद में भी देख सकते हैं आप, अच्छा इसका बताओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, कौन सा रेक्टेंगुलर एरिया है जो आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है और जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, उस रेक्टेंगुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेन्यू, विंडोज या आइकन, आंसर बताओ इसका,
आपके कंप्यूटर जब हम खोलते हैं बच्चे, तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आपका जो भी प्रोग्राम है, जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो किस में रन हो रहे हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं बच्चे वो किस में रन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि कितनी चीज़ें खुली हुई हैं। डेस्कटॉप नहीं बच्चे, विंडोज कहते हैं ना, कि कितनी एक्टिव विंडो, जैसे एक्टिव विंडो मतलब कि कौन सी विंडो है जो करंटली एक्टिव है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो वो विंडोज होती है बच्चे, वो विंडोज खुलती है आपकी जिस पे आपके प्रोग्राम रन हो रहा है। डेस्कटॉप तो आपका वो हो गया ना जो सबसे पहला पेज है जहाँ पे आपके आइकन है, लेकिन अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, कोई आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, तो वो कहाँ पे होगा, वो विंडोज, विंडो कहेंगे ना उसको, एक्टिव कहते हैं ना, एक्टिव विंडो है, विंडो आएगा बच्चे इसका। विंडोज द कॉपी कमांड सेव्स टू, कहता जब आप कॉपी कमांड देते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, आपने किसी डेटा को कॉपी करना है, तो जो डेटा कॉपी होके जाएगा वो कहाँ जाएगा, कॉपी कमांड सेव्स कहाँ पे सेव करती है डेटा को, डेस्कटॉप पे, क्लिपबोर्ड में, प्रिंटर पे, या एमएस वर्ड में, या फिर पेस्ट, पेस्ट तो जस्ता ही नहीं बच्चे, कहाँ पे कॉपी कमांड, कंट्रोल सी किया मैंने, कॉपी हो गया मेरा टेक्स्ट, जो मेरा टेक्स्ट कॉपी हो रहा है बच्चे वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, कहाँ पे जाके जाके सेव होगा वो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंसर बताओ बच्चे, द कॉपी कमांड सेव्स टू द, मोनू आंसर दो बच्चे, कॉपी जब आप किसी डेटा को उसे कॉपी कर लेते हैं, आपने कॉपी कमांड दी या फिर आपने शॉर्टकट किया कंट्रोल सी, तो वो जो डेटा है आपका जो सेव किया है आपने, जो डेटा कॉपी किया है, वो डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा, बी 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 क्लिपबोर्ड, ठीक है, रोहित का भी सही है, रवि का भी, अजय का भी, वेरी गुड, क्लिपबोर्ड में, ठीक है, क्लिपबोर्ड में आपका जो डेटा है जो आपने कॉपी किया हुआ है बच्चे वो वहां जाके कॉपी हो जाता है क्लिपबोर्ड में, करेक्ट। नेक्स्ट, इफ टेक्स्ट वाज हाइलाइटेड एंड एडिट कॉपी वाज क्लिक्ड व्हाट वुड हैपन, कहता है अगर आपने कोई टेक्स्ट को हाईलाइट किया है, ठीक है, आपका समझ लो कोई टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप एडिट में गए, कॉपी की ऑप्शन होती है एडिट में, ठीक है, फाइल के बाद अगर आपने मेन्यू बार देखा हो बच्चे तो ऊपर फाइल एडिट, एडिट में जाके आपका जो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा उसमें आपकी कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शन होती है, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट, तो वो कह रहा है कि आपने क्या किया, एक टेक्स्ट को हाईलाइट किया, सिलेक्ट किया कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हाईलाइट हुआ टेक्स्ट, फिर आप एडिट में गए, एडिट में जाके आप कॉपी में गए, आपने कॉपी पे क्लिक किया, तो क्या होगा, टेक्स्ट वुड बी कॉपीड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस्ड इट इन, प्लेस्ड इन द क्लिपबोर्ड, जो आपका टेक्स्ट है वो, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वहां से, जो भी आपने टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है बच्चे वो कॉपी हो जाएगा और कहाँ पे जाके प्लेस हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में। टेक्स्ट वुड बी रिमूव फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस्ड इन द क्लिपबोर्ड, या फिर जो टेक्स्ट है वो आपका वहां से हट जाएगा और क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड वुड बी प्लेस इन द डॉक्यूमेंट एट द प्लेस वेयर, कहता है डॉक्यूमेंट से निकल के क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा, या फिर बी एंड सी बोथ। वो बच्चे जब आप टेक्स्ट कॉपी में कर, कॉपी कर रहे हैं, तो वो कह रहा है जो आपका टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट में भी पड़ा रहेगा और एक और जगह जाके क्लिप बोर्ड में भी जाके सेव होगा, या फिर वहां से टेक्स्ट हट जाएगा और क्लिप बोर्ड में चला जाएगा, बताओ क्या आएगा इसमें, 35 का ए, यस 35 का ए, अजय वेरी गुड, ठीक है, टेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट से जो भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट है बच्चे उसमें से आपने कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट किया है, ठीक है, टेक्स्ट कुछ भी आपका टेक्स्ट है जो हाईलाइटेड है आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो वहां पे तो रहेगा ही रहेगा बच्चे, वो कॉपी कर रहे हैं आप, कट नहीं कर रहे, ठीक है, कट करते हैं तब वहां से हट जाता है। आपने क्या किया है, जो देखो बच्चे कट और कॉपी में क्या फर्क होता है, कट में क्या होता है जो आपका टेक्स्ट है वो वहां से हट जाएगा और क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, जो आपकी आई थिंक सेकंड ऑप्शन है, टेक्स्ट वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस्ड इन द क्लिपबोर्ड, यह आपकी कट की ऑप्शन है, कट में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन कॉपी में नहीं, कॉपी में क्या होगा, उसकी कॉपी बनेगी, मतलब वो टेक्स्ट वहां तो रहेगा ही रहेगा
और जहाँ पे भी आपने उसको कॉपी करना है, दूसरी लोकेशन पे कहीं पे भी आपने उस टेक्स्ट को कॉपी करना है बच्चे, वो वहाँ जाके कॉपी हो जाएगा। लेकिन जब आपने उसको कॉपी किया है तो वो पहले कहाँ जाएगा, आपका क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। कट और कॉपी में यही फर्क होता है, कट में उस लोकेशन से हट जाएगा या उस डॉक्यूमेंट से हट जाएगा, दूसरी जगह जहाँ पे भी आपने लगाना है उसको वहाँ लगा सकते हैं कॉपी करके, और कॉपी में वहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा और दूसरी और जगह पे भी जाके कॉपी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, गोलू मोनू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन का आंसर दो। किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अभी तक, अपनी पर्सनल चैट चल रही है बच्चों की। अजय का आंसर सही है, अजय ने आंसर दिया, अजय का आंसर सही है कि टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा डॉक्यूमेंट से और कहाँ चला जाएगा, क्लिपबोर्ड में। डैश शोज द फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑन योर कंप्यूटर, मेकिंग इट इजियर टू नेविगेट फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर विद इन द फाइल हायरार्की। ये हायरार्की है, ठीक है। क्या कहता है, कौन सा ऐसी जगह है, ठीक है, क्या जहाँ पे क्या आपके फाइल्स पड़े हैं, फोल्डर्स हैं, ड्राइव्स हैं, मेकिंग इट ईजियर टू नेविगेट फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर विद इन द फाइल हायरार्की। आपके पास एक फाइल की हायरार्की में आप एक जगह से दूसरी जगह आपकी लोकेशन पे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके सारे फाइल्स पड़ी हैं, फोल्डर्स पड़े हैं, आपकी ड्राइव्स पड़ी हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, या फिर जो भी आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं बच्चे, वो वहाँ पे आती हैं। कौन सी जगह है जहाँ पे आपके ये सारा कुछ शो होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, माई कंप्यूटर, फोल्डर्स मैनेजर या नन ऑफ दिस। ये जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर में काम किया है तो जो आपकी फाइल्स हैं, जो आपके फोल्डर्स हैं, ठीक है, और जो आपके ड्राइव्स हैं, जहाँ पे भी आपका डेटा पड़ा है, वो जो ड्राइव्स हैं, ड्राइव्स आपकी यही शो करती है ना कि आपका डेटा, कौन सा डेटा कौन सी ड्राइव में है, तो वो कहाँ पे आता है वो सारा। रवि कुमार, मोनू, गोलू, सबका सही है। माई कंप्यूटर, वेरी गुड, सी माई कंप्यूटर, गुड ऑल ऑफ यू, सबका सही है, वेरी गुड बच्चे, मोनू, गोलू, रवि, माई कंप्यूटर, हैप्पी एंड मोनू, स्टॉप आर्गुइंग बच्चा, स्टार्ट स्टडिंग। आई एम सेइंग टू बोथ ऑफ यू, हैप्पी एंड मोनू, कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। 36 का सी, वेरी गुड, माई कंप्यूटर बच्चे, ठीक है। माई कंप्यूटर में होता है ना आपका, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस भी अटैच करते हैं, आपने पेन ड्राइव वगैरह लगाई बच्चे, तो वो जो आपका शो कहाँ पे होगी, आपकी माई कंप्यूटर में, आपकी ड्राइव्स, ड्राइव्स में होगी, ठीक है। आपका कितना कंप्यूटर में कितना स्पेस है जो फुल है, कितना स्पेस है जो एम्प्टी है, वो भी आपका वहीं पे दिखता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकन, कहता है एक विंडो है उसको आपने श्रिंक कर दिया, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, ओपन अ ग्रुप विंडो, रीस्टोर अ विंडो, मिनिमाइज अ विंडो, नन ऑफ दीज, या मैक्सिमाइज। आपने क्या करना है, आपकी एक विंडो है, ठीक है, एक विंडो खुली हुई है, आपने क्या करना है, उस विंडो को श्रिंक करना है। अगर आपने उस विंडो को श्रिंक करना है तो आप क्या करोगे, ओपन अ ग्रुप विंडो, रीस्टोर अ विंडो, मिनिमाइज अ विंडो, नन ऑफ दीज, या मैक्सिमाइज अ विंडो, क्या करोगे बच्चे। आई एम हैप्पी एंड मोनू बच्चे, वंस अगेन आई एम सेइंग कि कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चंस, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। मोनू आंसर मी, गिव मी द आंसर। नहीं बच्चे, जब आप, आपकी एक विंडो है, फॉर एग्जाम्पल ये एक विंडो है, ठीक है, आप चाहते हो कि वो विंडो श्रिंक होके नीचे आइकन में दिखने लग जाए, तो आप क्या करोगे, कौन सी इसमें से कौन सी ऑप्शन यूज करोगे कि आपकी विंडो श्रिंक हो जाए और नीचे एक आइकन के रूप में आपकी टास्क बार पे आती है ना बच्चे, जो भी विंडोज आपने श्रिंक कर रखी होती है वो आपकी टास्क बार में आती है, ठीक है, वो टास्क बार में श्रिंकिंग विंडोज कैसे आती है, कैसे करोगे आप विंडो को श्रिंक करने के लिए, क्या करोगे इसमें से, वो पूछ रहा है। मिनिमाइज, वेरी गुड,
गुड मोनू, मिनिमाइज। विंडो को क्या करेंगे हम, मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पे आपके तीन बटन होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज, ठीक है। आप मिनिमाइज का बटन दबाओगे विंडो के ऊपर वाला, तो मिनिमाइज होके वो कहाँ चला जाएगा, टास्क बार में एक आइकन दिखने लग जाएगा आपको उस विंडो का। वेरी गुड, ठीक है बच्चे। मोनू का ठीक है, गोलू का ठीक है बच्चे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, डेट और टाइम डेस्कटॉप पे दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं डेस्कटॉप पे, कीबोर्ड, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, टास्क बार या नन ऑफ दीज, बताओ इसका डेट एंड टाइम कहाँ दिखता है आपका बच्चे। बोलो, गुड बॉय, कहाँ पे दिखता है आपका डेट एंड टाइम, अभी बताया था मैंने। हाँ, मिनिमाइज विंडो आ जाए उसका, ठीक है बच्चे, मिनिमाइज करते हम। अगर आपको एक विंडो को एक आइकन के रूप में श्रिंक करना हो तो वो मिनिमाइज होके टास्क बार में आ जाता है, ठीक है, वो मिनिमाइज होके टास्क बार में आ जाएगा आपका। अब पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपके जो डेट एंड टाइम है वो कहाँ पे होते हैं आपके डेस्कटॉप पे बच्चे, डेस्कटॉप पे जो आपका डेट एंड टाइम है वो कहाँ दिखता है, टास्क बार पे आ जाएगा, करेक्ट है, टास्क बार पे ना बच्चे, बिल्कुल नीचे आपका स्क्रीन पे, बिल्कुल नीचे आपका टास्क बार होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था टास्क बार में बिल्कुल लेफ्ट में आपको विंडो का बटन या सर्च दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट में आपका विंडो होता है, आपका सर्च का होता है जिसमें आप टाइप करके अपना प्रोग्राम खोल सकते हैं। उसके बाद आपके जो आपने विंडोज मिनिमाइज कर रखी है, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, जो भी विंडोज आपने मिनिमाइज कर रखी है बच्चे, वो वहाँ पे श्रिंक होके आ जाएंगी। और बिल्कुल राइट में क्या दिखता है, बिल्कुल राइट में आपके डेट एंड टाइम होता है ना, राइट में आपका डेट एंड टाइम होता है, आपके इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अगर आपने कुछ कर रखा है तो वो भी आपका दिखेगा, तो ये राइट में ये चीजें दिखती है आपकी। तो डेट एंड टाइम आपका टास्क बार पे दिखता है, अजय का करेक्ट है, टास्क बार। विच इज अ टेक्स्ट एडिटर फॉर एमएस विंडोज, कहता है एमएस विंडोज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए आपका टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, जहां पे आप अपना टाइपिंग का काम करते हैं, टेक्स्ट एडिटर आपका इसमें से कौन सा है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नोट पैड या पेंट, विंडोज का टेक्स्ट एडिटर कौन सा है बच्चे। हाँ वो देखो बच्चे, ऊपर भी दिखाता है टाइम एंड डेट, वही तो कह रही हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि मैम टास्क बार सबसे नीचे ही फिक्स है, ऐसा नहीं होता, आप टास्क बार की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, राइट साइड में दिखता है। हाँ, सभी में से एक, क्या कह रहा है मोनू, सभी में से एक तो ऑप्शन नहीं है बच्चे इसमें। विच इज अ टेक्स्ट एडिटर, इनमें से टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस डालना पड़ेगा बच्चे उसके लिए, एमएस विंडोज का पूछ रहा है, एमएस विंडोज का टेक्स्ट एडिटर नोट पैड है बच्चे, नोट पैड, जहां पे जो आपका टेक्स्ट एडिटर है विंडोज का वो नोट पैड है, नोट पैड आएगा, नोट पैड देखा हुआ ना आपने, नोट पैड में मतलब नोट पैड सिर्फ एक तरह से आपकी टाइपिंग के लिए होता है, नोट पैड में इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते एडिट वगैरह करने के, फॉर्मेटिंग के, सिर्फ एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर दे रखा है आपका, वो आपका नोट पैड होता है। और HTML की कोडिंग भी बच्चे, HTML का अगर कभी आ जाए कि जो HTML है उसकी कोडिंग हम किस पे करते हैं, HTML की कोडिंग हम नोट पैड पे करते हैं, विंडोज़ का टेक्स्ट एडिटर होता है आपका नोट पैड, अगर HTML लैंग्वेज आपने सीखनी है, ठीक है। HTML का खुद का एडिटर तो है, पर HTML की वैसे बाय डिफॉल्ट अगर आपको करनी है जो वो HTML का जो आपका टेक्स्ट एडिटर है, HTML लैंग्वेज के लिए एडिटर आपका नोट पैड होता है, सिंपल टाइपिंग के लिए यूज होता है नोट पैड, सब बच्चों ने कर रखा होगा, सिंपल सा है वो, सी है, हाँ सी है, करेक्ट मोनू, नोट पैड। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्लेज इन द स्क्रीन, कहता है कौन सा की है, कौन से की कॉम्बिनेशन आप यूज करके क्या कर सकते हैं, जितनी भी विंडोज ओपन है उन सबको मिनिमाइज कर सकते हैं और वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लग जाती है, नीचे आइकन के रूप में डिस्प्ले होने लग जाती है।
आपकी जितनी भी विंडोज खुली हुई हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है, और नीचे स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले होने लग जाएंगी। तो वो क्या है, ऑल टैब शिफ्ट टैब विंडो की के साथ डी कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल प्लस एफ। बताओ बच्चे इसका आंसर बताओ, कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज करके आप अपनी करंटली एक्टिव विंडोज को, जो आपकी एक्टिव है विंडोज, जो आपकी सारी विंडोज ओपन है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन सी ऑप्शन का यूज करेंगे आप? विंडो की प्लस डी, जब आपकी जो विंडो की है विंडो की के साथ आप डी दबाएंगे बच्चे, विंडो की प्लस डी करेंगे तो आपकी जो एक्टिव ओपन विंडोज है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है, करके देखना। सबके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा किसी के आपके पास, तो आप करके देखना बच्चे, विंडो की प्लस डी करोगे तो आपकी ओपन विंडोज मिनिमाइज हो जाएंगी, विंडो की और डी आपने इकट्ठे प्रेस करने हैं तो उससे आपका ये वाला फंक्शन पूरा होता है, मिनिमाइज हो जाती है। केपी मुहल सी है बच्चे, ऑल्ट प्लस एम नी, सी आएगा इसका, विंडो की प्लस डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी टू यूज। अब देखो बच्चे कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐप है, अगर वो यूज करनी इजी है तो हम उसको क्या कहते हैं? कोई भी चीज जो, कोई भी चीज, कोई ऐप हो या कोई भी डिवाइस हो, ठीक है, वो अगर यूज करना इजी है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? यूजर फ्रेंडली, सिलेक्ट, एवर रेडी, हेल्पफुल या नन ऑफ दीज। इजी टू यूज कि ये चीज यूज करनी इजी है तो वो क्या है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ये तो आना चाहिए बच्चे। हाँ विंडो प्लस डी, हाँ जी विंडो प्लस डी करके देखना बच्चे, फिर बताना मेरे को कल वाली क्लास में कि मैम हुआ या नहीं। यूजर फ्रेंडली, गोलू करेक्ट बच्चे, यूजर फ्रेंडली कोई भी चीज़ होती है जो यूज़ करनी इजी हो तो हम कहते हैं ना कि दे आर यूजर फ्रेंडली। अब जैसे हम सैमसंग के फ़ोन होते हैं लिया और चलाने इजी होते हैं तो दे आर यूजर फ्रेंडली, ठीक है। हाँ जो आईफोन है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं, उनको हम काउंट कर सकते बिकॉज आपको हर चीज़ के लिए अकाउंट सब बनाना होता है, थोड़ा उनको एक बार सीखना पड़ता है। लेकिन बाकी जो कंपनीज के फ़ोन है वो आप हाथ में लिए और आप के फंक्शंस आपको अपने आप पता चलते जाएंगे तो दोज आर यूजर फ्रेंडली। कोई भी चीज़ है जो आपको इजी लगती है, सीखनी आसान होती है, समझनी इजी है तो वो क्या होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं। हाँ ए ए गुड, गोलू अजय मोनू सबका सही है बच्चे, यूजर फ्रेंडली। हाँ जब अपनी पर्सनल डिस्कशन छोड़ के ऐसे आंसर्स देते हो फिर अच्छे लगते हैं बच्चे कि हाँ साथ साथ आंसर्स आ रहे हैं, साथ साथ आंसर्स आते हैं तो मैम को भी अच्छा लगता है। वो बच्चे जब अपनी पर्सनल डिस्कशंस में चले जाते हैं कि लो जी हमने तो आपस में मैम के क्वेश्चंस तो हम देख ही नहीं रहे हैं, हम तो पर्सनल डिस्कशंस में चले गए हैं, फिर मैम को भी इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप साथ साथ आंसर दोगे तो अच्छा लगेगा बच्चे कि मैम ने क्वेश्चन बताया और हमने साथ साथ आंसर दे दिया। विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ फॉर पीसीज एंड टैबलेट्स। अभी ये बताओ बच्चे विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जो आप आज आपका अब आपका चल रहा है विंडोज़ का सबसे लेटेस्ट वर्जन, चाहे वो आप पीसी के लिए बात करो चाहे टैबलेट्स के लिए बात करो, तो वो विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज़ 10, 7, 11, 98 या नन, इनमें से लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? देखते हैं हमारे बच्चे कितने अपडेटेड रहते हैं। बताओ बच्चे कौन सा विंडो का वर्जन है जो अभी आपका लेटेस्ट वर्जन आया था, जो सबसे लास्ट विंडोज़ का वर्जन आया है वो कौन सा है? इसका आंसर देखते हैं कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले। विंडोज़ 11, विंडोज़ 11 गुड, गोलू मोनू वेरी गुड बच्चे। विंडोज़ 11 आया कब था भी है, देखते हैं कौन बच्चा इसकी डेट बताएगा। विंडोज़ 11 कब आया है आपका? रिसेंटली ही आया है, रिसेंटली ही आया है। कब आया है विंडोज़ का ये वाला वर्जन, कब रिलीज़ हुआ है बच्चे? अक्टूबर 2021 में आया है आपका, ठीक है, अक्टूबर 2021 में, आई थिंक 5 अक्टूबर है, तो 5th अक्टूबर या 4th अक्टूबर को आपका ये लेटेस्ट वर्जन जो आपका आया है विंडोज़ 11, ठीक है, विंडोज़ 11 आया आपका लास्ट, करेक्ट है, आंसर करेक्ट है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द ड्राइंग प्रोग्राम ऑफ विंडो दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ड्राइंग एंड एडिट पिक्चर्स? कहता है विंडो का वो ड्राइंग प्रोग्राम, ड्राइंग सॉफ्टवेयर कौन सा है जो आपकी ड्राइंग बनाने के भी या फिर आपकी पिक्चर्स एडिट करने के भी काम आता है? अब ये भी सबको पता होगा, ये तो बिल्कुल ईजी है, छोटे होते हुए सब बच्चों ने किया होगा, बचपन में करते हैं बच्चे। कौन सा विंडोज का ड्राइंग प्रोग्राम है जो किसी काम आता है ड्राइंग बनाने के और पिक्चर्स एडिट करने के? पेंट, टूल, नोट पैड, वर्ड पैड या नन ऑफ दीज? ये सबको आना चाहिए। हाँ, विंडोज 10 चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि विंडोज 10 नहीं चल रहा, विंडोज 10 चल रहा है, बट अभी लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 आया है। हाँ, हमारे सिस्टम से विंडोज 10 है, 5th अक्टूबर 2021। मोनू, हाँ करेक्ट, 5th अक्टूबर 2021 को अभी हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है विंडोज 11। लेटेस्ट वर्जन आया है तो कुछ नई चीजें ऐड भी की होंगी, कुछ अच्छा, कुछ और ग्राफिक्स, जैसे जैसे विंडोज आते जा रहे हैं बच्चे, ग्राफिक्स और इम्प्रूव होते जा रहे हैं, तो वैसे कुछ और नया ग्राफिक उनमें कुछ ऐड हुआ होगा। ये बताओ बच्चे, ये तो बिल्कुल ईजी है। ये बताओ कौन सा है विंडो का ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ड्राइंग प्रोग्राम जो आपकी ड्राइंग बनाने के काम आता है और पिक्चर्स एडिट करने के काम आता है? इजीएस्ट क्वेश्चन है बच्चे ये तो, इसका अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ये बचपन में सबने यूज किया होगा, जिन बच्चों के पास भी लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं ये तो यूज किया ही होगा ड्राइंग बनाने के लिए। हम अपने स्किल्स दिखाते हैं, हम यहाँ पे दिखाते हैं, अगर हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट्स है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। कौन सा फीचर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है बच्चे, फटाफट आंसर दो। ये किसी को नहीं आता क्या? सबसे पहले गोलू का आंसर आया है, करेक्ट गोलू। ए पेंट है ना बच्चे, एमएस पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। पेंट तो सबने यूज किया होगा अपनी ड्राइंग वगैरह के लिए, पिक्चर्स एडिट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। हम कौन सा फीचर यूज करते हैं? पेंट। कौन सा प्रोग्राम है? पेंट, एमएस पेंट, करेक्ट। गोलू का आंसर है, करेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट पे आओ, 44th। विच फंक्शनल की इज यूज टू रीनेम अ हाईलाइटेड आइकन फाइल और फोल्डर? कहता है आपका कोई हाईलाइटेड आइकन फोल्डर या फाइल है, अब आप कौन सी की प्रेस करोगे जिससे आप उसको रीनेम कर सको, उसका नाम चेंज कर सको? वैसे भी हो जाता है सिलेक्ट करके, पर वो अगर आपको किसी शॉर्टकट की से करना है, किसी फंक्शनल की हेल्प लेनी है रीनेम करने के लिए, तो आप कौन सी फंक्शनल की करोगे? हो डायरेक्ट भी जाता है, हाँ रवि का भी करेक्ट है बच्चे, हो डायरेक्ट भी जाता है ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी फंक्शनल की का यूज करना है तो आप कौन सी फंक्शनल की का करोगे? F4, F5, F2, F1 और F7, फटाफट बताओ। कौन सी फंक्शनल की है जो रीनेम के लिए यूज होती है? आया किसी का आंसर? पहले मुझे इसका आंसर बताओ रीनेम के लिए, फिर मैं इन पांचों फंक्शन की इसका बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ वैसे तो, फिर मैं बच्चों से पूछूंगी। डायरेक्ट तो करते हैं मोनू, आई नो डायरेक्ट ही करते हैं बच्चे, क्योंकि वो इज रहता है कि आपने डायरेक्ट आइकन को हाईलाइट किया और उसको रीनेम कर दिया। बट इफ आपको फंक्शन की यूज करनी है, अगर वो आपसे पूछ रहे बच्चे कौन सी फंक्शन की है, मैम बता चुकी है बच्चे रीनेम के लिए, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में बताया था रीनेम के लिए कौन सी फंक्शन की यूज होती है। मेमोरी थोड़ा लेके जाओ पीछे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था। आई नो डायरेक्ट करते हैं ज्यादातर बच्चे ये वाली चीज, बट आपको पता होना चाहिए ना कौन सी फंक्शन की यूज होती है रीनेम के लिए। किसी को भी नहीं पता, भूल गए सारे बच्चे, फर्स्ट चैप्टर में आया था ये वाला क्वेश्चन मैम ने, F1 से लेके F12 तक सारी फंक्शन कीज, F1 से लेके F12 तक सारी कीज की फंक्शन बताया था कि कौन सी की क्या करती है, तो उसमें से क्रीन नेम भी बताया था मैंने। किसी का नहीं आया अभी तक आंसर बच्चे। F2, F2 होती है आपकी किसी भी आइकन फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, आप F2 की प्रेस करते हैं। F2 आएगा इसका आंसर, मोनू का आंसर आया F2, हाँ F2 ठीक है। और F1 है, पहले F1 ओपन हेल्प विंडो,
स्लाइड शो चलाने के लिए F5, स्लाइड शो होता है ना आपका, पीपीटी होती है, पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट में कभी काम करा हो बच्चे तो पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है। वो स्लाइड्स को क्लिक, माउस क्लिक के बजाय अगर आपने लगातार चलाने हैं तो हम क्या करते हैं, स्लाइड शो बनाते हैं। और स्लाइड शो आपने चलाना है तो स्लाइड शो का शॉर्टकट है, स्लाइड शो के ऑप्शन वैसे तो पीपीटी में है लेकिन उसका शॉर्टकट क्या है, आपका पावर पॉइंट जाता है उसकी वैसे ऑप्शन, लेकिन शॉर्टकट F5 है, ठीक है। F5 से आपका क्या चलता है, स्लाइड शो। और F5 और क्या करता है, अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था, F5 पे क्वेश्चन आया था रिफ्रेश, आपको रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश के लिए भी F5, स्लाइड शो चलाने के लिए भी F5, F1 ओपन हेल्प विंडो, F4 ऑल्ट प्लस F4 क्लोज करने के लिए, ठीक है, विंडो को क्लोज करने के लिए या फिर शट डाउन करने के लिए। F2 हमने बता ही दिया, F2 किस लिए होता है, रीनेम के लिए। और F7 किस लिए होता है बच्चे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। आपकी कोई स्पेलिंग अगर गलत है तो आप F7 की हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी जो स्पेलिंग गलत है बच्चे उसका बता देगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए आपका F7 होता है, ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ विनजिप प्रोग्राम। ये विनजिप, हम पहले इससे उल्टा क्वेश्चन आया था कि अगर आपको अपनी फाइल्स को क्या करना है, विनजिप क्या करता है बच्चे, विनजिप प्रोग्राम आपका किस हेल्प काम आता है, टू डिलीट फाइल्स, टू लोकेट फाइल्स, टू कंप्रेस फाइल्स, या टू रीनेम फाइल। फाइल को डिलीट करने के लिए, ढूंढने के लिए, रीनेम के लिए, या फिर कंप्रेस करने के लिए, विनजिप प्रोग्राम क्यों यूज होता है आपका, बताओ फटाफट, विनजिप क्यों यूज करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया था ना बच्चे, उल्टा आया था, तब जो ऑप्शंस थी वो क्वेश्चन था और क्वेश्चन ऑप्शंस थे, अब उल्टा हो गया है, बताओ फटाफट। हाँ, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो ऑल, तो देन आंसर मी कि किस लिए विनजिप प्रोग्राम यूज होता है। इंस्पिरेशन का आंसर है सी, वेरी गुड, सी आंसर करेक्ट है, इंस्पिरेशन नाम से जिसकी आइडिया बच्चे, करेक्ट है सी। विनजिप तो यूज कर रखा होगा बच्चे सब नहीं, ठीक है। क्या होता है, जो आपकी फाइल है वो क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है और फिर उसको आप डॉट जिप फॉर्मेट में खोल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कंप्रेस मोनू का करेक्ट है, इंस्पिरेशन आईडी से जो भी है बच्चे उसका भी करेक्ट है, फाइल को कंप्रेस करने के लिए, आपकी फाइल जो है कंप्रेस हो जाएगी और डॉट जिप फॉर्मेट में फिर वो खुल जाती है, ठीक है, करेक्ट, इजी था। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बार कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड करंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट। कहता है कौन सी बार है जिसमें जो भी आपका प्रोग्राम है उसका नाम या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपने खोला हुआ है, ठीक है, जैसे एमएस वर्ड के अंदर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स बना रखी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से कौन सी खुली हुई है, ठीक है, और आपका कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे एमएस वर्ड चल रहा है तो ऊपर आ जाएगा एमएस वर्ड और करंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा जो भी आपने रखा होगा। कौन सी बार है वो, टाइटल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार, मेन्यू बार, या नन ऑफ दीज। कौन सी बार है बच्चे जो आपका क्या दिखाती है, आपके प्रोग्राम का नाम, जो भी आपका प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर ओपन है वो वाला, और उसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट है करंटली एक्टिव है उसका नाम, कौन सी बार में आता है। हाँ, 4 क्वेश्चन आर लेफ्ट, 46th पे है ना, अभी 4 और रह गए, इसका आंसर बताओ बच्चे। सी किसका बताया गोलू ने, पीछे वाले का बताया क्या, हाँ पीछे वाले का, ठीक है गोलू, इसका बताओ कौन सा क्वेश्चन है, 46th का बताओ। कौन सी बार है बच्चे जिसपे आपके प्रोग्राम का नाम और डॉक्यूमेंट का नाम आता है, आपका जो भी करंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट है और जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम आता है। इजी क्वेश्चन है, हाँ टाइम देख लिया मैम ने, अभी रह रहा है ए, टाइटल बार, यस, सबसे ऊपर आती है ना बच्चे, टॉप मोस्ट पे टाइटल बार आती है आपकी। टाइटल बार पे क्या होता है, इंस्पिरेशन का भी करेक्ट है ए, मोनू का भी करेक्ट है, टाइटल बार। टाइटल बार पे आपका यहाँ पे एमएस वर्ड और फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नाम होगा आगे वो आएगा, करेक्ट ए, गुड।
टास्क बार सबसे लास्ट में होती है, स्क्रॉल बार हमें पता है, दो हमारे स्क्रॉल बार्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आ ही गया क्वेश्चन अगला, देखो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार कॉमनली एट द राइट साइड एंड बॉटम ऑफ द विंडो। कहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार है, ठीक है, कहाँ पे होती है, विंडो के राइट साइड में या फिर बॉटम पे। उन बार को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, वर्टिकल बार या नन ऑफ दीज। वो बार कौन सी है बच्चे? हाँ ठीक है, ए ठीक है, पीछे वाले का। वो बार जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, विंडो के आपके राइट पे और बॉटम दो जगह होती है, उस बार को हम क्या कहते हैं बताओ? उस बार को क्या कहते हैं बच्चे? हरी अप। कौन सी बार होती है वो जो आपके दोनों तरफ होती है, राइट में भी दे रखी होती है बड़ी सी और बॉटम में भी होती है, वो बार कौन सी है? जल्दी आंसर करो बच्चे, इतने इजी इजी क्वेश्चन है ये तो। हॉरिजॉन्टल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, वर्टिकल बार या नन ऑफ दीज। स्क्रॉल बार होती है ना बच्चे, स्क्रॉल बार जो आपके स्क्रॉल करने के काम आती है स्क्रीन को, अगर आपने ऊपर से नीचे देखना है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे राइट वाली को, बॉटम वाली आपकी लेफ्ट टू राइट के लिए होती है, तो स्क्रॉल बार। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इफ एनी कमांड इज करंटली इनएक्टिव और अनअवेलेबल एंड कांट बी क्लिक्ड, इट इज शोन इन। कहता है कोई भी कमांड है बच्चे आपकी, ठीक है, इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन आंसर बताता है। कोई भी कमांड है जो करंटली इनएक्टिव है, अनअवेलेबल है, या फिर आप उस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, उस पर क्लिक नहीं हो पा रहा, तो वो कौन से कलर में शो होती है, कौन सा कलर आपको बताता है कि ये जो कमांड है ये करंटली आपकी एक्टिव नहीं है, कि आप इस कमांड का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ये अनअवेलेबल है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो जो कमांड है आपकी, जो कमांड आ रही है वो कौन से कलर में आती है, आप देख के बता सकते हैं कि हाँ ये वाला कलर आ रहा है तो यानी कि ये कमांड अभी इनएक्टिव है। येलो, ग्रे, रेड, ब्लू या वाइट, उस कमांड का कलर क्या हो जाता है बच्चे जो कमांड इनएक्टिव है, जिस पे आप क्लिक नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन ने किसका आंसर दिया बच्चे, कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है? पीछे वाले का दिया है क्या? सी। हाँ पीछे वाले का सही है, स्क्रॉल बार सी। इस क्वेश्चन का बताओ क्या कहता है, अगर कोई भी कमांड है बच्चे, ठीक है, कई आपने बहुत बार देखा होगा कोई कमांड है आपकी जो जिस पे आप क्लिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो क्लिक ना कर पाने का कई रीज़न है, जैसे कि जब तक आपने कोई चीज़ कट नहीं की है, कॉपी या कुछ पेस्ट, ठीक है, पेस्ट वाली ऑप्शन आपकी जब तक एक्टिव नहीं होगी, जब तक आप कोई कट या कॉपी नहीं करेंगे कुछ भी टेक्स्ट, तो आपकी पेस्ट वाली कमांड इनएक्टिव रहेगी। तो वो उस टाइम कौन से कलर की होती है, पेस्ट तो तभी हो पाएगा ना जब बच्चे कोई चीज़ आपने कट करी है तो आपने उसको कहीं और पेस्ट करना है, या आपने कॉपी कर ली तो उसने आपको कहीं और पेस्ट करना है। जब तक कट और कॉपी में से आप कोई चीज़ नहीं करोगे, तब तक जो आपकी पेस्ट वाली कमांड है, ध्यान से देखना, वो आपकी इनएक्टिव रहती है, आप उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो वो क्यों होगा, वो मतलब कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा ये कमांड इनएक्टिव है, कौन से कलर में आएगी वो, देखो बताओ इसका। मोनू का आंसर है बी, वेरी गुड मोनू, बी, गोलू, मोनू, बोथ आर करेक्ट, बहुत दोनों का आंसर सही है, ग्रे कलर, ग्रे कलर में आ जाती है ना, ग्रे कलर में हमें देख के पता चल जाता है कि ये कमांड अभी काम नहीं कर रही है, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा उसका। करेक्ट करेक्ट, गुड बच्चे, ग्रे कलर आता है, ठीक है, ग्रे कलर की अगर कोई कमांड आ रही है, इट मीन्स कि वो क्या है, इनएक्टिव है, आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, उसका आप अभी यूज नहीं कर सकते हैं जब तक वो इनएक्टिव है। करेक्ट। 49th, अ मूविंग पिक्चर और पैटर्न दैट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन माउस और कीबोर्ड हैज नॉट बीन यूज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड। अब देखो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हमने क्या कर रखा है, अभी कुछ देर के लिए हमारा कंप्यूटर आइडल पड़ा है, आइडल मतलब कि निकम्मा पड़ा है, हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे, हमने माउस की कोई मूवमेंट नहीं करी, हमने कीबोर्ड का कोई यूज नहीं किया, तो वो जो स्क्रीन पे आता है, एक मूविंग पिक्चर आने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रूलर, टेक्स्ट, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, स्क्रॉल। बताओ बच्चे, ये चीज भी आपको पता होगी सबको, क्या होता है जो स्क्रीन पे आपका, जब अगर आप
कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर आइडल पड़ा है, आपका माउस या की माउस की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर बाद ही आपके कंप्यूटर पे एक मूविंग पिक्चर आने लग जाती है, एक पैटर्न आने लग जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, उस मूविंग पिक्चर या पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर। ठीक है, वो स्क्रीन सेवर होता है आपका, जो पैटर्न स्क्रीन पे या जो भी आपने पिक्चर लगाई है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्क्रीन सेवर बना सकते हैं, कुछ भी स्क्रीन सेवर दे सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में भी होता है बच्चे। ठीक है, तो वो जो स्क्रीन सेवर है वो क्या है आपका, कब आता है, जब आपका कंप्यूटर आइडल पड़ा है, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपने माउस और कीबोर्ड से कुछ काम नहीं किया है थोड़े स्पेसिफिक पीरियड कुछ टाइम के लिए, तो आपका स्क्रीन सेवर रन होने लग जाता है स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डोज, विंडोज, लिनक्स, एसक्यूएल, इनमें से कौन सा है बच्चे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाँ, बबल आते हैं बच्चे, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने बबल्स वाला स्क्रीन सेवर लगाना है या स्क्रीन सेवर की ऑप्शंस आती है। हाँ, वो जो बच्चे आप गोलू सही कह रहे हो, 1 मिनट बाद, वो आप अपने आप सेटिंग कर सकते हैं कि 1 मिनट बाद आना है या 30 सेकंड के बाद आना है, बबल्स आने हैं या कुछ टाइल्स आने हैं, कुछ भी वो आपके पास फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो आप जैसे भी सेटिंग करेंगे स्क्रीन सेवर की, उस हिसाब से जो भी आप स्क्रीन सेवर में बच्चे अपने नाम भी लिख देते हैं तो वो नाम डिस्प्ले होने लग जाता है। कुछ आपने कुछ ऐसा स्क्रीन सेवर लेना जो सिस्टम का है, तो वो जो बबल्स है वो सिस्टम में ही है। ठीक है, किसी ने नाम लाना है तो नाम भी आने लग जाता है। टाइम जो आप कह रहे हैं कि टाइम मैम 1 मिनट के बाद, ऐसा नहीं है 1 मिनट के बाद, वो टाइम की भी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर भी आप अपनी पसंद का लगा सकते हैं। इसका आंसर बताओ बच्चे, इसमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डोज, विंडोज, लाइनेक्स या फिर एसक्यूएल, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंस्पिरेशन बच्चे कौन से का आंसर दिया आपने, ए तो दोनों में से किसी का नहीं है, पीछे वाले का भी नहीं था। डोस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे, डोस का तो नाम में ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस के तो नाम में ही है, डोस के लिए तो मैडम हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, डोस के तो नाम में ही है। विंडोज हम पढ़ ही रहे हैं, ये वाला चैप्टर ही हमारा विंडोज पे है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एसक्यूएल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। एसक्यूएल तो मेरी एक लैंग्वेज है बच्चे, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल तो लैंग्वेज है बच्चे, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है हमारी, तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, बाकी ये तीनों के तीनों डोज, विंडोज, लाइनेक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से जो लाइनेक्स है वो इनसे थोड़ा सा अलग है, बिकॉज लाइनेक्स क्या है, मेरा ओपन सोर्स है, मतलब कि ये क्या है आपका, इसकी जो कोडिंग है वो आपको शो होती है, लाइनक्स की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको हम। डी, हाँ डी, एसक्यूएल नहीं है बच्चे, गोलू इंस्पिरेशन डी नहीं है, डी आपकी लैंग्वेज है, डोज कमांड लाइन आपका इंटरफेस है, विंडोज आपका जीयूआई है, और जो लाइनक्स है बच्चे वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसकी जो सोर्स कोड है वो आपको विजिबल होता है, दैट इज वाई इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बच्चे यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं, और इसी के साथ विंडोज वाला हमारा चैप्टर भी ओवर होता है। ठीक है, विंडोज से मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, उसमें सारा आपका विंडोज का चैप्टर कवर हो गया बच्चे क्वेश्चंस में। कल न्यू चैप्टर के साथ एट द सेम टाइम 3:15 मिलते हैं बच्चे। ऑल फॉर टुडे, बाय बच्चों।